हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सोचिए हमारी धरती पर बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाएं तो क्या होगा। उन क्रिएचर्स में फाइट हो रही हो और आप बीच में फंस जाएं तो क्या होगा। क्या होगा जब ये क्रिएचर्स गुस्से में हो। वेल, ऐसी ही स्टोरी है दोस्तों गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 साल बाद, जहां हमें एमा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसकी 5 साल की बेटी होती है। एमा की बेटी एमा की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी और इनका मकसद था गॉडज़िला जैसे क्रिएचर्स को ढूंढ निकालना। एमा का घर शहर से दूर जंगलों के एकदम बीच में मौजूद था, जहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी एक धमाका होता है और उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। इससे घबराकर एमा और उसकी बेटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चली जाती है, जहाँ एमा देखती है कि समुन्दर में एक क्रिएचर ने कदम रख दिया है। बोले तो हाल ही में इसका जन्म हुआ है। न्यूली बॉर्न इस क्रिएचर को जब अपने आस पास इतने लोग नजर आते हैं तो ये घबरा जाती है और गुस्से में आकर इन पर हमला बोलने लगती है। इसके लिए वो समुन्दर में बने इस ऑर्गेनाइजेशन के शीशे की दीवार को भी तोड़ने लगती है, लेकिन तभी एमा अपने एक सीक्रेट वेपन से उस क्रिएचर को शांत कर देती है। दरअसल एमा के पास एक सीक्रेट डिवाइस थी जो किसी भी क्रिएचर को पल भर से गुस्से में मौज मस्ती वाले मोड में ला सकती थी। एमा के उस डिवाइस को यूज करते ही वहाँ एक आदमी एलन आता है जो एमा के उस डिवाइस को लेना चाहता था। असल में एलन का ऐसा मानना था कि इंसान पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है क्योंकि वो नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए क्रिएचर्स को वापस से जमीन पर ले जाना चाहिए। एलन एमा और उसकी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है और उन दोनों को इसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जोर शोर से बहस चल रही होती है। यही एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को एलन किडनैप करके यहाँ पे लाया है, इसलिए वो एमा के एक्स हस्बैंड से मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि एमा का वो सीक्रेट डिवाइस किसी और ने नहीं बल्कि इसी शख्स ने बनाया था। अब ये साइंटिस्ट एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी पत्नी और बेटी भी वापस आ सकती है। एना का हस्बैंड भी इसकी बातों पर एग्री हो जाता है और ये दोनों समुन्दर के नीचे अपने कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ इनकी ब्रांच थी वहाँ वहाँ इन्होंने क्रिएचर को बंदी बनाकर रखा हुआ था और अब ये उस क्रिएचर को भी ढूंढने लगते हैं। यही ये लोग गॉडज़िला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो काफी ढूंढने के बाद भी गॉडज़िला का कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन जब ये लोग रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं तभी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है, जैसे गॉडज़िला पास ही हो और बहुत गुस्से में हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गॉडज़िला समुन्दर के रास्ते ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, लेकिन वो ऐसा तभी करता था जब उसे खतरा महसूस होता है। इनके शीशे पर जोर जोर से वार करने के बाद गॉडज़िला निकल जाता है अटलांटिक की तरफ। गॉडज़िला कैसा करते ही ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर वहाँ कोई खतरनाक क्रिएचर है जिसके पीछे गॉडज़िला गया है। इस पर ये लोग गॉडज़िला का पीछा करते हैं और इन्हें पता चलता है कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है जिसे किंग अरोड़ा कहा जाता है। इसके 3 विशाल सर हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन फिलहाल ये एक्टिव नहीं है। बात गॉडज़िला की करें तो वो किंग अरोड़ा को अपना दुश्मन मानता था और समय समय पर उसे देखने आता था ताकि उसे दो दो हाथ करे और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दे। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एमा को बचाने के लिए गया था, लेकिन वो नादान था बेचारा, क्योंकि यही उसे पता चलता है कि एमा तो एलन के साथ मिली हुई है और वो एक फुल प्रूफ प्लान के तहत यहाँ लाई गई है। एमा डॉक्टर के साथ जाने से मना करती है और जाते जाते उस दीवार को तोड़कर किंग अरोड़ा को जगा देती है। सालों की नींद के बाद किंग अरोड़ा भी भरभरा कर उठता है और अंगड़ाई लेने लगता है। उधर गॉडज़िला जो कब से इससे दो दो हाथ के मूड में था वो यहाँ आ जाता है और दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर किंग अरोड़ा गॉडज़िला को मार कर गिरा देता है और इन सब की तरफ बढ़ने लगता है। अब जब एना ये देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, इसलिए वो अपना जादुई डिवाइस ऑन करके मॉन्स्टर का गुस्सा शांत कर देती है जिस वजह से सब बच जाते हैं। इसके बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मॉन्स्टर को ढूंढ कर खत्म करने की चर्चा चल रही होती है, तभी एक वीडियो कॉल आता है। ये कॉल एमा का था जो इनसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने एलन का साथ क्यों दिया। अब एलन कहती है कि तुम सब ना सिर्फ क्रिएचर हो बल्कि नेचर को भी नुकसान पहुँचाना चाहते हो। मैं इन सबको आजाद कर दूंगी क्योंकि ये हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में रेडिएशन है। इस पर ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं कि ये क्रिएचर इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि ये हमारी मदद करेंगे। इस पर एना कहती है कि तुम्हारी सोच में ही कमी है, हजारों सालों से क्रिएचर हम इंसानों के साथ ही तो रह रहे हैं, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो क्या वो तुम्हारी पूजा करेंगे? जवाब तो वो भी देंगे ना। बाद में एना सिर्फ इतना कहती है कि मैं इनको आजाद करके ही दम लूंगी, और इसी के साथ उसका कॉल हो जाता है कट।
इसके बाद एना अपने इरादों को पूरा करने के लिए निकल पड़ती है और वो एक वोल्केनो से एक और मॉन्स्टर को आजाद कर देती है। वोल्केनो लोगों से भरपूर इलाके के पास था, यानी एमा बिल्कुल बेरहम हो चुके थे, जिसे सिर्फ इन क्रिएचर से मतलब था। लोगों के बारे में वो अब बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। इस क्रिएचर के आजाद होते ही आर्मी एक्टिव हो जाती है और इस पर वार करने लगती है, लेकिन तभी उस क्रिएचर के डर के मारे पतलून गीली हो जाती है और वो वहां से जाने लगता है, क्योंकि अब यहां आ चुका था किंग ऑफ मॉन्स्टर जो उसे मार के आता है। इसके बाद किंग अरोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर हमला करने आता है, लेकिन गॉडज़िला उसे रोक देता है और उसका एक सर उखाड़कर फेंक देता है। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, सब डरे हुए होते हैं। इतने में आर्मी से एक ऑफिसर का वीडियो कॉल आता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताता है कि वॉर के टाइम हमने एक मिसाइल बनाई थी जो दो मिसाइल के अंडर में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देगी, और अब हम इस मिसाइल को छोड़ने जा रहे हैं। बस अफसोस ये रहेगा कि हमें गॉडज़िला को खोना पड़ेगा। इसके बाद समुन्द्र में एक तेज ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। गॉडज़िला की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन जिस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो मिसाइल छोड़ी गई थी, वो जादू की पुड़िया की तरह शान से समुन्द्र से बाहर आता है और वोल्केनो पर बैठकर अपने तीसरे सिर को रिकवर कर लेता है। यानी किंग ऑफ मॉन्स्टर काफी पावरफुल था और गॉडज़िला को मारकर इन तीनों ने भी इसकी मदद कर दी थी, यानी अब वो किसी पर भी हमला कर सकता था। इसके बाद ये क्रिएचर सिग्नल देता है और बाकी क्रिएचर को भी जगा देता है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में उथल पुथल मची होती है और सब इसे हराने के तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर धरती का नहीं है, बल्कि ये तो एलियन क्रिएचर है, इसलिए ये इतने पावरफुल है और इसलिए गॉडज़िला इसे मारना चाहता था। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है और हमें दूसरे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो अब जाग रहे थे। इन्हीं में से एक वो क्रिएचर भी थी जो शुरुआत में ही पैदा हुई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये गॉडज़िला की पार्टनर है और अब ये उसे ढूंढ रही है, पर क्योंकि उसके सिग्नल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये गाना गाने लगती है, जिसके बाद गॉडज़िला के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। ये देखकर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की सांस में सांस आती है, क्योंकि गॉडज़िला अभी जिंदा था। इसके बाद ये लोग उस क्रिएचर का पीछा करते हैं और समुन्द्र की गहराई में बहुत नीचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें गुफा जैसी नजर आती है, जहाँ तरह तरह के पेंटिंग्स थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन थी, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे आया था ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। इतने में डॉक्टर कहते हैं कि हमें यहाँ पर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने चाहिए ताकि इसे और ज्यादा रेडिएशन मिले और ये जल्दी ठीक होकर और ज्यादा पावरफुल बने। इसके बाद डॉक्टर बहुत सारे न्यूक्लियर्स लेकर गॉडज़िला के पास पहुंच जाते हैं और बाकी टीम मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। अब डॉक्टर गॉडज़िला को हाथ लगाते हैं और गुड बाय कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और समुन्द्र के अंदर मौजूद लगभग हर चीज नष्ट हो जाती है, जिससे गॉडज़िला पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हम एमा की बेटी को देखते हैं, जो एमा के डिवाइस को उठाकर माइक पर लगा देती है ताकि आसपास मौजूद सभी क्रिएचर्स शांत हो जाएं। पर किंग मॉन्स्टर को यह पता चल जाता है और वो एमा की बेटी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गॉडज़िला आता है और दोनों में वॉर शुरू हो जाती है। यूं तो सब गॉडज़िला की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी गॉडज़िला की शक्तियां अभी कम थी, जिस वजह से किंग मॉन्स्टर गॉडज़िला पर भारी पड़ता है। वो गॉडज़िला को मारने वाला था, तभी गॉडज़िला की पार्टनर आती है, लेकिन उसे भी बीच में एक दूसरा मॉन्स्टर रोक लेता है, लेकिन वो उसे मारने के बाद आती है और खुद की कुर्बानी देकर रेडिएशन रिलीज करती है ताकि गॉडज़िला को पावर मिल जाए। गॉडज़िला की पार्टनर के खुद को ब्लास्ट करते ही उसके शरीर की सारी एनर्जी और रेडिएशन गॉडज़िला को मिलती है। ऊपर से आसपास भी उस समय बहुत रेडिएशन होती है, जिस वजह से गॉडज़िला पावरफुल हो जाता है। इतने में एमा दिखाई देती है, जो अपनी बेटी और एक्स हस्बैंड के साथ थी और उस डिवाइस को एक्टिव करने की कोशिश कर रही थी ताकि मॉन्स्टर्स का गुस्सा शांत किया जा सके, लेकिन तभी किंग मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। किंग मॉन्स्टर एमा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां गॉडज़िला आ जाता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। पर किंग मॉन्स्टर बहुत ही चालाक था, वो गॉडज़िला पर आग उगलता है, लेकिन अब गॉडज़िला को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो फौरन ही किंग मॉन्स्टर पर वार करता है और उसका काम तमाम कर देता है, यानी कि उसे मार गिराता है। इसके बाद हम सभी क्रिएचर्स को देखते हैं जो गॉडज़िला के सामने झुककर खड़े हुए होते हैं, यानी कि उसे सैल्यूट मार रहे होते हैं। बोले तो अब किंग ऑफ मॉन्स्टर होता है गॉडज़िला। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, संग में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।